परेशान किया जा रहा है, ये सिस्टम की गड़बड़ी है सीधा, ऑल द सिस्टम, बिहार सिस्टम, सिर्फ सिस्टम। जो उद्देश्य है सरकार का कि सक्षमता परीक्षा करा के हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी आई है कि जो हम लोगों ने जिला का चयन किया है और नंबर आने के बाद भी वो ऐच्छिक जिला हम लोगों को नहीं मिल पाया है। फर्स्ट च्वाइस मिला, पटना दिया गया, लेकिन फिर कल जो है कल उसको अचानक से चेंज करके फिर दूसरा थर्ड च्वाइस दिया गया। आप नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जे के लिए सक्षमता परीक्षा देने की बात की गई थी। सक्षमता परीक्षा में जो पास हो गए उनको ऐच्छिक स्थान देने का बात हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में कुछ शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या कुछ कारण है जिसके वजह से ये यहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ कारण है? मैनुअली सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, हर एक चीज ऑनलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियाँ की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की देखा जाए एक सैंपल में, यहाँ जो है एक कैंडिडेट फीमेल है, उसको मेल कर दिया गया, ठीक, उसको यहाँ पे मेल कर दिया गया जो कि यहाँ जन्म हुए फीमेल है, 48 पे पास मार्क है, इसको क्वालिफाई करना चाहिए। अच्छा, तो ये गलती किसकी है, किसकी गलती मान? सीधी बात, सिस्टम की गड़बड़ी है। किसकी गलती आप कहेंगे? जो एग्ज़ाम ले रहे थे, जो जिस तरह से कंडक्ट करने की बात की गई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले तो एग्ज़ाम सिंपल सा होगा, फिर BPSC के थ्रू एग्ज़ाम होगा, तो लगातार ये चीज़ हुई थी, तो सिस्टम की गलती बोलेंगे या फिर जिस तरह से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? परेशान किया जा रहा है, ये सिस्टम की गड़बड़ी है सीधा, ऑल द सिस्टम, बिहार सिस्टम, सिर्फ सिस्टम, तंत्र। क्या कहेंगे सर? यही कहना था कि जो उद्देश्य है सरकार का कि सक्षमता परीक्षा करा के हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी आई है कि जो हम लोगों ने जिला का चयन किया है और नंबर आने के बाद भी वो ऐच्छिक जिला हम लोगों को नहीं मिल पाया है। दूसरी बात यह है कि हमसे कम नंबर आए। ऐच्छिक जिला लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? उसके लिए कोई कट ऑफ इनका जारी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने में जो लोग कैंडिडेट हैं उनसे कंपेयर करने में पता चला है कि कम नंबर वालों को भी जिला मिल चुका है उनका, जबकि उससे ज़्यादा नंबर वालों का भी पीछे हो गया है। तो इस सिस्टम की गड़बड़ी, या तो कट ऑफ जारी लोग कर देते कि कितने किस जिले में कितना कट ऑफ गया है, तो उसके अनुसार हम लोग जान जाते कि किस कट ऑफ पे हैं, तो हमको मालूम हो जाता कि स्थिति क्या है। उस वो तो अंधकार में हमें रखा गया है कि कितना कट ऑफ किस जिले का है, वैसे ही आवंटित किया जा रहा है जिला, फर्स्ट वाइज नहीं दे के अपने अपने दे दे रहे हैं, जबकि खाली है सीटें, बहुत सीटें खाली हैं। क्या कहेंगे सर? एक तो पहले एग्ज़ाम को लेके आप लोग को किस तरह से परेशान किया गया, उसके बाद ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड ये किया गया, फिर रिजल्ट आ गया, फिर ऐच्छिक जहाँ पे स्थान देने की बात थी वो भी आप लोग को नहीं मिल रहा है, ऊपर से नाम भी चेंज हो रहा है, तो लगातार ये जो परेशानी आ रही है आप लोग को राजकर्मी के दर्जे को पाने के लिए, क्या कहेंगे किसकी गलती है? मैम, ये दिया गया, ये राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसमें जो है सक्षमता परीक्षा लिया गया, इसमें लेने के बाद अभी परसों जो है सो फर्स्ट चॉइस मिला, मेरी मैडम को फर्स्ट चॉइस मिला, पटना दिया गया, लेकिन फिर कल जो है कल उसको अचानक से चेंज करके फिर दूसरा थर्ड चॉइस दिया गया, अपना थर्ड चॉइस दिया गया है, जो कि गलत हुआ है। मैम, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, मेरी मैडम काफ़ी परेशान है कल से और मानसिक रूप से परेशान है, उसको मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इनके अध्यक्ष को कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि इसको ज़रा ध्यान दिया जाए, महिला, विशेष रूप से महिला को थोड़ा सा ये किया जाए, फर्स्ट चॉइस दिया जाए, जो दिया गया है पूर्ववत उसको रखा जाए, धन्यवाद। देखिए नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जे पाने के लिए लगातार कितनी संघर्ष लड़नी पड़ी थी, और आपको बता दें कि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम ये सब के बावजूद अगर रिजल्ट आई है तो जहां पे ऐच्छिक जहां पे जगह मिलनी चाहिए, इनके चॉइस की जगह मिलनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिनका कम मार्क्स आया उनको भी जगह अलॉट कर दी गई है और जिनको ज़्यादा आया उनको भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें नामों की, तो ऑनलाइन मोड में गड़बड़ी के कारण नामों को चेंज कर दिया गया, पुरुष जो है उनको महिला का नाम दे दिया गया, तो लगातार जो चेंजेस है और जो गड़बड़ियां हैं वो निकल के सामने आ रही है, तो देखना रहेगा कि ये गड़बड़ियां जो है किस तरह सुधरता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।